और इस बख्त को पाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखें। हम जानते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत लंबा सफर तय करना। इस सफर में हमें कई मौकों पर कठिन फैसले भी करने हैं और कई मौकों पर हमें बहादुरी से आगे बढ़कर बदलाव को भी गले लगाना है। मैंने 21 सितंबर को देश को अपने संदेश में कहा था कि कई दफे हमें आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल राह अपनाने की जरूरत, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो कोई परिवार हो, कारोबार हो या सरकार, उसका खर्च आमदनी से बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ रहा है, इसमें पेट्रोलियम सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी खपत का 80% हम बाहर से आयात करते हैं। इसलिए जब विदेशी बाजारों में इन पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, इस पर हमारी पेट्रोलियम सब्सिडी बढ़ जाती है। आर्थिक मामलों के बारे में मैं जितना भी समझता हूँ, इसके बोते पर आपको पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ कि सब्सिडी बिल और सरकार का घाटा लगातार बढ़ने के नतीजे हमारी देश और हमारी जनता के लिए बहुत खराब हो सकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास कम होगा, निवेश कम होगा और महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास की रफ्तार भी कम हो और नतीजे में बेरोजगारी और गरीबी बढ़े। इन सब से बचने के लिए ही हमने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के संबंध में कुछ कठिन फैसले लिए, लेकिन हमने गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखने की कोशिश भी की। इसीलिए मिट्टी के तेल यानी के केरोसिन के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई। रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने के हमारी सरकार के फैसले पर काफी बहस हुई। मेरा, कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार का मानना है कि ये फैसला हमारे देश के हित में है, जिससे आम जनता और किसानों दोनों को फायदा हो। आज किसानों की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए बर्बाद हो जाता है कि हम जहाँ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधाएं नहीं दे पाते। रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश से इन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती। हमारे किसान भाई बहनों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सकते हैं, क्योंकि वो उसे बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। आम जनता को सब्जी और फल सस्ते दामों पर मिल पाएंगे हमें ये भी उम्मीद है कि विदेशी निवेश से रिटेल कारोबार को बढ़ावा मिलने की वजह से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हों। हमारे फैसले के खिलाफ एक बात ये कही जा रही है कि इससे लाखों छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा, ये गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा या तो मामले की पूरी सूझ न होने की वजह से कहा जा रहा है
और या जनता को गुमराह करने के लिए। दूसरे देशों का तजर्बा हमें बताता है कि बड़े रिटेल व्यापार की वजह से छोटे रिटेल व्यापारी खत्म नहीं होते। भारत जैसी एक बड़ी और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के व्यापार के लिए पर्याप्त जगह है। और वैसे भी हम रिटेल में विदेशी निवेश की अनुमति देने जाने से आज भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में घरेलू बड़ी कंपनियां रिटेल व्यापार कर रही हैं। हमने ये एहतियात भी रखी है कि रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश सिर्फ बड़े शहरों में हो और सिर्फ उन राज्यों में हो जहां की सरकारें इस बात की इजाजत देती। भाई और बहनों, ये कोई पहली बार नहीं है जब हम देश में विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे थे। साल 1991 में हमने FDI के बारे में कुछ जरूरी फैसले किए थे। आज उसके अच्छे नतीजे साफ दिखाई देते। इस फैसले की वजह से आज हमको कई क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और सामान उपलब्ध हो रहा है। जो राजनीतिक दल हमारे फैसलों का विरोध कर रहे हैं उनमें और हमारे भी फर्क इस मुद्दे पर है कि हम किस तरह से देश का निर्माण करना चाहते हैं। फर्क इस मुद्दे पर है कि हम अपनी तरक्की के लिए नई नीतियों को अपनाना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार एक नए समृद्ध और खुशहाल देश का निर्माण करना चाहती है। इसके लिए अगर हमें कुछ नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत होगी तो हम बेशक बदलाव लाएंगे। हमने साल 1991 में भी ऐसा ही किया। उस समय भी हमारा विरोध हुआ। जिन लोगों ने उस वक्त हमारी मुखालफत की थी वो गलत साबित हुई। मैं पूरे यकीन के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं वो भी गलत साबित हो। भाई और बहनों, हमारी सरकार शासन के काम में भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी लगातार काम करती रही है और रहे। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नया कानून संसद में पेश किया गया। बेनामी को रोकने के कानून को सख्त बनाया जा रहा है। जिस तरह जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने और इस संबंध में उनकी शिकायतें दूर करने की व्यवस्था करने के लिए एक कानून पर संसद विचार कर रही है। सरकारी स्कीमों के तहत नकद भुगतान और कुछ सब्सिडीज को नकद रूप में हम आधार नंबर के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इससे वजीफों और पेंशन जैसे भुगतानों में भ्रष्टाचार की शिकायतें और देरी कम हो पाएंगी। लोकपाल बिल पर भी संसद विचार कर रही है। भाइयों बहनों, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम शासन के काम में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोक। जो लोग सेवक भ्रष्ट हैं उनको बेशक कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन हमको ये ख्याल भी रखना है कि हम ऐसे हालात पैदा न करें जिसमें ईमानदार अधिकारी भी फैसले कर लेने से डरते लगे। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय हित के प्रोजेक्ट और तेजी से किए जाए और उद्योग और कारोबार को बढ़ावा मिल जाए। भाइयों और बहनों, मैंने आपके सामने
यूपीए सरकार की कुछ नीतियों के बारे में कुछ मुद्दे रखे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय लगाकर मुझे सुना। मुझे विश्वास है कि आप आम आदमी की पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देते रहेंगे और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद।